बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है यार? ठीक ठाक हो सारे? अच्छा देखो, लास्ट जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो तो हमने सिंपल मॉलिक्यूल को पढ़ लिया। अब जरा यही फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ आते हैं, और आज का टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही आसान और बड़ा मजेदार है। देखो जी, टॉपिक का नाम क्या है? आइन। स्टूडेंट्स, आइन होता क्या है? सबसे पहले एक इंतहाई शॉर्ट सी डेफिनेशन मैंने लिख दिया, या इसको एमसीक्यू समझ लो, स्पीशी Having charge, that's it। मैं कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में नहीं पढ़ा, कोई यूनि पॉजिटिव डाई पॉजिटिव, इन बातों को अभी हम नहीं कर रहे। सबसे आसान चीज क्या है? स्पीशी हैविंग चार्ज। भाई पूरी केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अगर उस पर चार्ज आ गया वो आइन है, बात खत्म हो गई, दिस इज आइन। ठीक है, चले अब इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है। सो अब मैं आता हूं आगे कि कोई एटम है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। आम तौर पे हमारे पास न्यूट्रल एटम होते हैं। न्यूट्रल एटम वो वाले एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है, क्योंकि और तो कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है ही नहीं ना एटम के अंदर के जिस पे चार्ज हो, बाकी तो सब न्यूट्रल है। जिनमें से मशहूर मारूफ न्यूट्रॉन है, उसके अलावा हाइप्रोन, बोसोन, एंटी बोसोन, न्यूट्राइनो, एंटी न्यूट्राइनो, लॉट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, बट ओनली टू सबटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट हैविंग चार्ज, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और अब मजे की बात, प्रोटॉन भी साइड पे कर दो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही ऐसा सबटॉमिक पार्टिकल है जिसने फैसला करना है कि एटम पे चार्ज आना है या नहीं आना। आना है तो पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के हाथ में है, प्रोटॉन में नहीं है। यह चीज प्रोटॉन ने न्यूक्लियस में रहना है हमेशा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा, तो स्पीशी पर चार्ज आएगा। ओके, सो अगेन व्हाट इज आइन? स्पीशी हैविंग चार्ज। अब आते हैं, अब चार्ज आना कैसे? स्टूडेंट्स हमारे पास एटम होता है, एटम न्यूट्रल है। अब उसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो स्टूडेंट्स वो बनेगा कैट आइन। कैटाइन कौन से आइन को कहते हैं? दिस इज पॉजिटिव आइन। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल स्पीशी जब हो तो उसके अंदर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब मैंने क्या कहा? अब मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो रेशियो डिस्टर्ब हुई। भाई कम क्या चीज हुई? नेगेटिव स्पीशी। ज्यादा क्या हो गई? खुद ब खुद पॉजिटिव। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। ओके अच्छा जी, वापस आते हैं। सो व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट मेक्स अ कैटायन। कैटायन इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब उससे आ गया हो मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में भाई 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से तकरीबन 93 के करीब मेटल्स हैं। एंड यू नो व्हाट, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है? मेटल्स इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो जिनकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किस चीज को कहते हैं? देखो लफज देखो जरा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव हो जाना। देखो जरा इसकी डेफिनेशन बनाओ, द टेंडेंसी और एबिलिटी और पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का हैविंग लूज इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। और मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, मेटल्स बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। सो इसलिए आप जब भी देखेंगे कोई आपके पास कंपाउंड बना होगा तो उसमें मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल पे नहीं होगा। भाई मेटल्स के न्यूक्लियस ना बड़े वीक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींच के नहीं रख पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए जरा एक दफा ऊपर से दोबारा आते हैं। When an atom loses an electron, it forms a cation. Cation is basically positive ion, and the metals are those elements in the periodic table that have tendency to lose electron. This is called electropositivity. Or, इनकी ionization energy भी बहुत कम होती है। भाई ionization energy है क्या? Minimum amount of energy which is required to remove the electron from the outermost shell of any isolated gaseous atom. के एक हमारे पास अकेला atom है, उसके आउटर मोस्ट शेल में से स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में आ गए इसके खूबसूरत खूबसूरत मासूम से शेल्स, ठीक है, और इन सब में तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये रहा आउटर मोस्ट शेल। अब अपने जो बोहर भाई हैं या बोहर एटॉमिक मॉडल, तो जनाब बोहर ने क्या कहा था कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस शेल की एनर्जी से मैच हो, सेम हो,
तो इलेक्ट्रॉन उस शेल में रिजाइड करता है, रहता है। भाई हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं, ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये इस शेल में रहना पसंद नहीं करेगा। और बात समझ में आ रही है, जब तक दोनों का एनर्जी लेवल सेम था तब तक तो इलेक्ट्रॉन शेल में रह रहा है, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो अब ये इस शेल में नहीं रहेगा, अब ये इस शेल को लात मार के नॉकआउट करके बाहर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एटम को लूज कर दिया, जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो डिस्टर्ब हो गई और ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, विच इज कैटायन। और ये इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए थी स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ आई एम होपिंग कि आपको ये वाला पार्ट सारा समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, क्यों बन रहा है, उसमें क्या खसूसियात है। ले जी, अब आते हैं जरा इसकी ओपोजिट साइड पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अब हम नेगेटिव चार्ज बनाने जा रहे हैं, जरा उसको भी देख लें। नेगेटिव चार्ज कब बनता है स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन एटम में आ रहा है और वो एटम का हिस्सा बनने जा रहा है, तब आपके पास अगेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब होगी, अब पहले की निस्बत इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उस पे आएगा फिर नेगेटिव चार्ज। देखिए जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, एनायन बनाता है। एनायन कौन से आयन को कहते हैं, नेगेटिव आयन को। और नेगेटिव आयन आमतौर पर पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, जो कि नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 21 नॉन मेटल हैं, या टोटल 118 एलिमेंट हैं, 21 नॉन मेटल हैं, तकरीबन 92, 93 अराउंड मेटल्स हैं, क्योंकि कुछ बोरॉन टाइप एलिमेंट्स हैं जो अभी अनडिसाइडेड हैं कि इसको मेटल कहें या नॉन मेटल कहें, क्योंकि उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए ये वेरिएशन है 92, 93 इतने, और बाकी जो 7-8 रह गए दे आर मेटालॉइड्स, वो आपने पढ़े होंगे। ओके, सो अब देखें नेगेटिव आयन बनेगा, आमतौर पे नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाती हैं, क्यों, बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। भाई जैसे ये लफ्ज बताया था वैसे यहां पर आओ जरा, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव होना। अब इसकी डेफिनेशन भाई आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्या मतलब है, एक ताकत होना, एक कुवत होना, वो क्या कहते हैं हिंदी में, एक क्षमता होना एलिमेंट में, क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये जो नॉन मेटल्स है ना, इनके न्यूक्लियस बड़े ताकतवर होते हैं, ये जैसे एटम में न्यूक्लियस होता है ना भाई, ये बड़ा ताकतवर है। ये इलेक्ट्रॉन साहब यहां से टहलते हुए जा रहे थे ला 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 ला, लेकिन क्या हुआ, इसमें ताकत इतनी थी कि इसने यूं अपनी तरफ एकदम खींच लिया। बात समझ रहे हो यार, ट्रेन गुजर रही है बड़ी तेजी से, आप ट्रेन के पास नहीं खड़े, सिर्फ दूर खड़े हो, लेकिन वो ट्रेन एकदम आपको अपनी तरफ अपनी तरफ खींच लेगी। बात समझ रहे हो ना, इसी तरह की अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस में, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो इतनी रट्टे वाली डेफिनेशन तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जरा तगड़ा है, इलेक्ट्रॉन की गुड्डी खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑलराइट, सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, that is why they have tendency to attract the electron towards their cells, and ultimately electron is going to be a part of outermost shell of any non metal, jiski wajah se wo kya banega, wo ban jayega anion, yani ke negative ion। aur aakhri baat batata chalu, electron affinity, what is electron affinity, it is basically amount of energy which is released or could be absorbed when one or more electrons are going to be added in the outermost shell of any isolated gaseous atom। वही बात आ रही है दोबारा से कि एक एटम है, गैस की स्टेट में है, लेकिन उसका न्यूक्लियस बड़ा तगड़ा है, उसने इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो लूज हो गई उसमें से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो भाई जितनी हाई होगी ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, मतलब न्यूक्लियस ने उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो नॉन मेटल्स की आमतौर पर ज्यादा होती है। आखिरी दफा ये बात भी हम पढ़ रहे हैं, फिर आते हैं फॉर्मेशन पे, क्या, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स to form anion, anion is negative ion, usually non-metals are electronegative in nature, having high electron affinity, that is why they form negative ion। okay होगी बात, ले जी ये part तो हो गया हमारा clear। अब जरा आ जाते हैं इनकी formation की तरफ, कि negative ion या positive ion बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं cation यानी कि positive ion की बात करने जा रहा हूं student, it is endothermic process। और यूनानी ज़बान कभी पढ़ी है, ग्रीक लैंग्वेज, चलें ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड आता है एंडो। स्टूडेंट्स एंडो का मतलब होता है एंटर होना, एंटो
एंटर सॉरी, और उसके अलावा एक्सो का वर्ड आ जाएगा। एक्सो का मतलब क्या है? एक्सो का वर्ड बनता है एग्जिट से। आप यहां मॉल्स वगैरह में जाते हो, क्या लिखा होता है? एंटर या एग्जिट, ठीक है ना, बाहर निकलने का रास्ता। यूनान मुल्क में चले जाओ, ग्रीस में, वहां पर यूनानी बोली जाती है। वहां मॉल में एंटर होगा ना, तो वहां पर एंटर नहीं लिखा होगा, एंडो लिखा होगा। और जो कोई बाहर जाने का रास्ता है ना, वहां एक्सो लिखा होगा, एग्जिट नहीं लिखा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एंडो और एक्सो। अच्छा, आगे देखो वर्ड कैसे बना है। थंग, थंग किसको कहते हैं जी? हीट को। आईसी कब लिखते हैं? जब किसी फिनोमिना का डिस्कशन करनी हो, जैसे एंडोथर्मिक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थंग, हीट, और वो एंडो, हीट एंटर हो रही है फिनोमिने को, इसलिए आईसीआर है। जैसे एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब हम किसी एटम का फिनोमिना डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्मिक, हम हीट का फिनोमिना डिस्कस करने जा रहे हैं। आईसी का लफज फिनोमिने को शो करता है। सो एंडोथर्मिक, द फिनोमिना इन विच हीट इज गोइंग टू बी एंटर। फिर आपके पास पॉजिटिव आयन बनेगा। और देखो भाई कैसे, जैसे ये सोडियम की बात हुई हुई है स्टूडेंट्स, इसी को अगर मैं सोडियम की एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसका मतलब जो ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस बना हुआ है, इसमें 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी फिर 11 ही होंगे, तभी न्यूट्रल होगा ना। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए? 10 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये 11 इलेक्ट्रॉन, ये अब सोडियम का एटम है। भाई मुझे सोडियम के एटम को क्या बनाना है? कैटाइन बनाना है, पॉजिटिव आयन। अब मैं इसको एनर्जी दूंगा, वही वाली बात होगी, एनर्जी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा, इसके अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये एटम को लूज कर जाएगा, जिस वजह से उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव वन से शो करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो तो स्टूडेंट्स रिएक्शन में उसको प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। एड हो रहा हो तो अब रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे, वो देखते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इट मींस देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट वुड लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ डाई पॉजिटिव आयन। एंड इफ अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, सो इट मींस इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट वुड लूज ऑल दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ ट्राई पॉजिटिव आयन। और एक और बात जरा गौर करो, मैंने जो तीनों एग्जाम्पल दिए हैं वो मेटल्स के दिए हैं, क्योंकि मेटल्स वही बनाती हैं पॉजिटिव आयन। और ये एट द सेम टाइम इस फिनोमिने को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी बातें इंटरकनेक्टेड है, ये आगे जाके बहुत यूज होनी है। ओके, आफ्टर देन जी फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन इज, ये पहले तो फिनोमिना देख लो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द न्यूट्रल एटम एंड दैट न्यूट्रल एटम मस्ट बी नॉन मेटल, कुड बी नॉन मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखें अब फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब इसमें 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। भाई ये एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होने आ रहा है, पता है ऐड हो क्यों रहा है? देखो 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, पहले शेल में 2, दूसरे में 7। अब आप लोगों को ऑक्टेट और डुप्लेट का तो पता ही है, एटम स्टेबल ही तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, तो ये स्टेबल नहीं है, वो ये तड़प रहा है कि मेरा आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह हो जाए, कंप्लीट हो जाए किसी तरह, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब ये इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा नहीं, गेन करेगा। कितना गेन करेगा? देखो ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करे तो भाई इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाता है। दैट इज व्हाई फ्लोरीन हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और ऐड करके ये अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो देखो रिएक्टेंट साइड पे लिखा है। ऑक्सीजन की बात करो, एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बताओ यार जल्दी? हाँ 2 की है, तो लो जी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, 8 ऑक्टेट पूरा। ये देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और डाई नेगेटिव आयन बना। सेम फॉर नाइट्रोजन, इट वुड ऐड 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू जस्टिफाई ऑक्टेट, और इससे ये ट्राई नेगेटिव आयन बनेगा। और आखिरी बात बताता चलूं, रिडक्शन, रिडक्शन इज द नेम ऑफ फिनोमिना व्हेन एन और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एडेड इन द एटम, तो वो होगी रिडक्शन। सो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। इनमें से कोई बात समझ नहीं आई होगी तो मेरे बच्चों लाजमी पूछना है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर कोई टॉपिक में इशू है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में इशू है, भाई कमेंट में बताओ, आपका भैया आपको उसी टाइम सॉल्व करवा देगा, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।